हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और आप आगे आने वाले DSSB एग्ज़ाम्स को सीरियसली लेते हुए तैयारी शुरू कर चुके होंगे। और इसी आपकी तैयारी को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं मैथ्स की प्रिपरेशन का एक टाइम टेबल लेने आया दिखाने आया हूँ। जनरली होता क्या है ना, जो हम बताते हैं कि आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, उसमें बेसिकली मोटे रूप से ना एक तरीके से सिलेबस ही दिखा दिया जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाऊंगा, ये आपको जैसे सामने दिख रहा है कि ये सिलेबस है आपका। इस तरीके से एक सिलेबस दिखा दिया जाता है कि मैं टॉपिक वाइज बात करें तो मैथ्स में क्वांटिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो आपका सेक्शन रहता है। अच्छा, ये पहले एक बात और क्लियर कर दें, मैथ्स की जो तैयारी आप लोगों की होगी ना, तो ये कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का मैथ्स आए या फिर 40 मार्क्स का मैथ्स आए, दोनों के लिए टॉपिक सेम रहेंगे, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, तैयारी का तरीका सेम रहेगा। आप लोग बेफिक्र होके इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि हमें अलग तरीके से तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो सीरियसली तो लेना ही है, पहली बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ सिलेबस देखने से काम नहीं बनता है। सिलेबस देखने के बाद जनरली हम जैसे लोग जो बताते हैं वो क्या कर देते हैं, एक्सेल से बता देते हैं कि भाई इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आ सकता है, एवरेज से आ सकता है, ये वगैरह वगैरह, टॉपिक वाइज थोड़ा सा बाइफरकेशन बता देते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उससे भी मुझे लगता है कि ना बात नहीं बनती है, ठीक है। बेसिकली सिलेबस तो आप लोगों को अगर मैं PDF के रूप में भी दे दूं, या फिर आप लोगों के पास भी पता है, गूगल कर लोगे, जैसे भी आप चीज़ देख सकते हो, बुक्स में है, सारी चीज़ें हैं। पर मुद्दा है कि भाई तैयारी असल मायने में करनी कैसे है, तो उसके लिए आप लोगों के पास एक ठोस टाइम टेबल होना ज़रूरी है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी प्लानिंग जरूरी है, और उस प्लानिंग को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी YouTube पे नहीं बताया था ऐसे टाइम टेबल के रूप में। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, सिलेबस बता देता था, टॉपिक वाइज बता देता था, और उसको बताता था इसी तरीके से करना है, थोड़ा थोड़ा गाइड कर देता था। अब मैंने सोचा, मैंने समझा, इतना जो एक्सपीरियंस लिया पिछले टाइम से DSSB का, तो कमी कहाँ पे आ रही है उसको दूर करते हुए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और कि भाई अपने जो आज हो गया 29 मार्च हो गई है, अब अप्रैल मान लीजिए स्टार्ट हो गया है, उसके बाद अपना एग्ज़ाम का भी नोटिफिकेशन मान लीजिए अप्रैल के मिड में आ जाता है, उसके बाद फिर अपने को 1-2 महीने का टाइम, तो टोटल कुल मिला के मैं यहाँ पे अपने पास 3 महीने का टारगेट लेके चल रहा हूँ, यानी कि 90 डेज़ का टारगेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। 90 डेज़ का टारगेट लेके चल रहा हूँ, और इस 90 डेज़ में आप लोगों की मैथ्स की ऐसी दमदार तैयारी हो जाएगी ना, बिलीव मी, आप लोग फुल मार्क्स फोड़ के आओगे एग्ज़ाम में। तो जैसे अपने पास हो जाता है भाई अप्रैल हो जाता है, उसके बाद फिर मई है, फिर जून है, और मुझे कहीं लगता है कि ना जुलाई भी आ ही जाएगी आपका एग्ज़ाम आते आते, तो जुलाई को हम एज अ बफर रखते हैं कि भाई चलिए ठीक है, अप्रैल जून तक अपने सिलेबस पूरा कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, जुलाई का भी मौका मिला तो हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा वो बढ़िया है। पर ये नहीं सोचना है कि भाई जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, तो हम शुरुआत ही नहीं करते, शुरुआत आपको अभी से करनी पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे टोटल मोटे रूप से हमने पीछे देखा कि भाई 16 टॉपिक थे ये अपने, है ना, लगभग 16-17 टॉपिक बनते हैं। और मैं जितना कोशिश रहती है एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए पूरा टाइम देते हुए, मैं ये सोचता हूँ कि पर टॉपिक ना आप 4 दिन में एक टॉपिक को निपटा सकते हो, कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, मैथ का टॉपिक 4 दिन में आप निपटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 16 टॉपिक मैं मान के चल रहा हूँ, ऊपर नीचे एक आध हो जाता है कि भाई कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बुक्स वगैरह में, और किसी मैंने भी ज़्यादा ही पढ़ाए हुए हैं इससे, तो आप देखेंगे तो लगभग हम सब एस्टिमेट लगा लेंगे। तो 16 टॉपिक 4 दिन, तो 64 दिन यहाँ पे हो जाते हैं। 6 दिन मैंने एक्स्ट्रा इस बात के लगा ली कि मान लीजिए किसी दिन भाई आप कहीं चले गए, उस दिन तैयारी नहीं हो पाई, शादी वगैरह में चले गए, फंक्शन वगैरह में चले गए, या फिर आपका कभी कभार मन भी नहीं होता ना, आजकल ये बहुत चल रहा है कि हमारा मन नहीं कर रहा है पढ़ाई का, तो ये मन की भी सुन लेते हैं कभी कभार, रिफ्रेश हो जाते हैं, तो 6 दिन हमने एक्स्ट्रा मान लिए, तो टोटल हो गए अपने पास 70। उसके बाद भी ऊपर से 75 डेज़ मैं मान लेता हूँ कि मोटे मोटे रूप से 75 दिन में आपके ये टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे। तैयारी नहीं बोली मैंने, ध्यान रखना, तैयारी के पहले 90 दिन माने थे, 15 दिन और इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोटल आप देखेंगे तो आपके 75 दिन में लेके चल रहा हूँ, इस 75 दिन में आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अब करना क्या है, ये डेज है भाई, ठीक है। पहले आप लोगों के जो मैंने बोला ना 90, तो उसके मैंने 80 दिन अभी काउंट करे, 80 को मैंने 4 भाग में डिवाइड कर दिया, 20-20 के दिन काउंट कर दिए, और उसमें बताया मैंने आप लोगों को करना क्या है। मैथ्स शुरुआत करनी है, पढ़ाई शुरुआत करनी है मैथ्स की, तो डेली 1 घंटा कैलकुलेशन को आपको देना ही होगा। स्टार्टिंग में पहले 20 दिन, पहले 40 दिन आप लोगों को कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, टेबल्स पढ़ने हैं, स्क्वायर रूट,
स्क्वेयर्स, क्यूब्स, ये सारी बेसिक चीज़ें तो आपको साथ साथ करती रहनी ही है। टेबल्स भी ऐसे नहीं कि रटनी है, तो आप लोगों को ना बेसिकली सारे टेबल्स हो जाने चाहिए, हो गए होंगे याद, 20-25 तक याद होंगे। उसके बाद डेली जो प्रैक्टिस करोगे ना, वो आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की करोगे, आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की जो होती है ना प्रैक्टिस, वो करोगे क्वेश्चन 1 से 40 तारीख तक। उसमें क्या होगा, फास्ट आपकी कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशन उसी में आ जाएंगी सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में। चैप्टर भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जोड़ गुणा घटा भाग सारी चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी, आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी, देखने को मिलेगी। रोज उठा के टेबल याद करोगे ना, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, 4 दिन करोगे, नहीं होता है, 20-25 दिन नहीं होंगे लगातार टेबल्स। आप देखोगे कि भाई आप जब कैलकुलेशन करोगे, स्टार्टिंग के 5-6 दिन तो आप शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढोगे, 2 डिजिट वाले नंबर्स होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट वगैरह, ये सारी चीज़ करने के बाद, उसके बाद डेली जब कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे तो आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद फिर पहले 40 दिन ये करने के बाद, फिर आप इन इस प्रैक्टिस को, कैलकुलेशंस को आप आधा घंटा कम कर दोगे, डेली करना है, पर ये कंसिस्टेंसी जरूरी है। फिर आप लोग नेक्स्ट आगे जब भी, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, उसके बाद आप 30-30 मिनट कर दोगे, आधा घंटा कर दोगे, पर पहले 40 दिन आपको 1 घंटा देना जरूरी होगा कैलकुलेशन का। चाहे फिर वो आज सुबह उठते ही करिए आप रोज, या फिर आप जब तैयारी अपनी मैथ्स उठा रहे हैं, टॉपिक चैप्टर उठा रहे हैं मैथ्स, तब करिए, ठीक है। ये हो गई, अब 1 घंटा तो ये हो गया अपना स्टार्टिंग में। उसके साथ साथ आप लोगों को टॉपिक तो स्टार्ट कर देना ही है, 4 दिन पर टॉपिक उठाना है, 3 दिन मैक्सिमम आपको वीडियोज देखनी है, 3 दिन से ज़्यादा आप वीडियोज नहीं देखेंगे, 3 दिन से ज़्यादा आप वीडियोस नहीं देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ना आप वीडियोस देखने में ही स्पेंड कर देते हैं, कभी किसी की कभी किसी की, तो उसका भी देख लिया, सिंप्लीफिकेशन का, नंबर सिस्टम का, एक सर का देख लिया, दूसरी मैडम का देख लिया, तीसरे ने ऐसे देखा, अच्छे उसके पास तो ट्रिक ज़्यादा है उसका देख लेता हूँ, ऐसा नहीं करना। एक, चाहे आपने कोई कोर्स ले रखा है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपने कोई भी टॉपिक के लिए, चैप्टर के लिए 3 दिन से ज़्यादा वीडियोस नहीं देखनी है, ठीक है। 3 दिन वीडियोस देख लिया आपने, 4th दिन आपको प्रैक्टिस करनी है उस टॉपिक की, और एक टॉपिक के आप कम से कम 100 क्वेश्चन, ये मिनिमम है, 100 से 150 क्वेश्चन उसी टाइम, यानी कि इन 4 दिनों के अंदर अंदर आप ये 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपको टाइम लगेगा, जी हाँ बिल्कुल लगेगा, पर लगाना पड़ेगा, ठीक है, लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे कि और सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, पर ये भी बात मान के चलो कि कोई ना कोई ये चीज फॉलो कर रहा होगा और आप उससे पीछे हो जाओगे इस मामले में, ठीक है। 100 से 150 क्वेश्चन उस टॉपिक के, उस बात कर लिए, मान लिए आपने पहले 4 दिन में नंबर सिस्टम खत्म करा, ठीक है, नंबर सिस्टम खत्म करा, और उसके बाद आपने 4th दिन आते आते टोटल क्वेश्चन कर लिए 115 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, इनफ है, बहुत बढ़िया हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट 5वें दिन जब आप नेक्स्ट टॉपिक उठाओगे, 5वें दिन जब आप नेक्स्ट टॉपिक उठाओगे ना, उस दिन नंबर सिस्टम को भूल नहीं जाना है, ठीक है। उस दिन क्या करना है, उस दिन आपको ये +10 लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है +10, तो आपको 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के करने हैं पहले। उस दिन क्या करना है आपको, 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के पहले करोगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उठाओगे। फिर 6ठा दिन आएगा, उस दिन भी नंबर सिस्टम के पहले करोगे। 7वां दिन आएगा, उस दिन भी नंबर सिस्टम के पहले करोगे आप, जैसे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी क्या करा हमने, पहले 4 दिन तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए यहाँ पे, उसके बाद फिर 10 क्वेश्चन करे, अगले दिन 10 क्वेश्चन करे, फिर अगले दिन 10 क्वेश्चन करे, उसके बाद फिर आपका SCF और LCM भी खत्म हो गया मान लीजिए। अब क्या करोगे, 10 नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करोगे और 10 SCF और LCM के क्वेश्चन करोगे। किसी भी चैप्टर को आखिरी दिन तक छोड़ना नहीं है, ठीक है। जब आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, मान लो पार्टनरशिप तक पहुँच गए, तो इन 10 को आप 5-5 में बदल दोगे, हर टॉपिक को 5-5 में बदल दोगे। जैसे मान लीजिए 8 हो जाएंगे, तो आपके पुराने चैप्टर्स हो जाएंगे, पुराने चैप्टर्स के क्वेश्चन हो जाएंगे 40, और नया चैप्टर होगा टाइम एंड वर्क, उसके तो आप उन 4 दिनों में आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ही। इससे होगा क्या ना, आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर आउट ऑफ टच नहीं होगा। होता यही है, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कोई भी चैप्टर आप पढ़ लेते हो ना, स्टार्टिंग में याद रहता है, आप यहाँ तक परसेंटेज तक पहुँच जाओगे ना, तो नंबर सिस्टम की चीज़ें याद रह जाओगी, प्रॉफिट और लॉस तक पहुँचोगे, रेशियो प्रोपोर्शन तक, तो भूल जाओगे। इस बीमारी को आप, होता क्या ना कि भाई एक बार पढ़ लेते हैं, बार बार आप, फिर एग्जाम आएगा, फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, ऐसे ही इसी साइकिल में बंद के रह जाओगे। वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हमें नहीं करना,
हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना, हम स्टार्टिंग से ही लगातार कंटिन्यू करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करेंगे। जिस दिन हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया ना, उसके सिर्फ सुबह उठ के 10 क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, वो आप करने शुरू कर देंगे। ठीक है, ये बातें हो गई, आपको समझ में आया, एंड तक आपको ऐसे ही चलना है। फिर आप एक बार आपका सारा खत्म हो जाएगा, तब आप लोग यही करोगे कि आप खत्म हो जाएगा ना सारा, सब कुछ खत्म हो गया, तो अब हर टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन कर रहे होगे, हर टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन कर रहे होगे, तो दिन के आपको 70-75 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे दिन के, जब आपका सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। 70-75 क्वेश्चन आपको डेली करने होंगे जब आपका एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है भाई बात मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट कब देते हैं, कैसे दें और क्यों दें? तो मॉक टेस्ट से ना आपको टाइम का पता चलता है कि आप कितना टाइम लगा रहे हो मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो स्टार्टिंग में ज़्यादा बर्डन नहीं लेनी है, 10 दिन में आपने 1 से 2 मॉक टेस्ट लगा लिए, इनफ है। 40 दिन तक भी आप 10 दिन में 1 से 2 मॉक टेस्ट लगा लेते हो, इनफ है। उसके बाद फिर आप जैसे ही 41 से आगे बढ़ोगे तो उसको बढ़ा के आप 2 से 3 मॉक टेस्ट कर दो, 10 दिन की बात है, 10 दिन में 2 से 3 मॉक टेस्ट कर दो, और 80वें दिन तक 3 से 4 मॉक टेस्ट आप रखोगे अपने 10 दिन में, 7 से 10 दिन होंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होंगी, समझ में आ गई होंगी, ऐसे आपको बढ़ाना है। और उसके बाद आप लोगों का जैसे ही हो जाते हैं आपके यहाँ पे 50 दिन हो जाते हैं, ठीक है, आफ्टर 50th डे, ठीक है, 50 दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। अब आप 50वें दिन के बाद ना PYQ शुरू कर दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू कर दोगे, आपके DSSSB में कोई भी एग्जाम में आए हो मैथ्स के क्वेश्चन, आपको वो सॉल्व करने ही करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 50वें दिन के बाद शुरू कर सकते हैं। कोई कहेगा कि भाई स्टार्टिंग में भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे पैटर्न के हिसाब से आप 50वें दिन के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये टिल एग्जाम तक चलेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट का आपको बता दिया, जैसे ही आपके 80 दिन हो जाएंगे, आफ्टर 80 डेज मॉक टेस्ट आपको डेली देना है, डेली देने की आप, ठीक है, डेली टिल एग्जाम। मॉक टेस्ट में आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। ये था मेरी तरफ से मैथ्स का रामबाण पूरा इलाज। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फिक्र छोड़ दीजिए, मैं एक पूरा बैच लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे, जिसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाया करूंगा, उनकी PDF भी दिया करूंगा, तो आपको कंटेंट भी मिल जाएगा और उनको सॉल्व करने के लिए वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चिंता ना करें, आप लोग कोई एक बुक ले लीजिए, बुक लेना बहुत आसान होता है, कोई भी SSC लेवल की बुक ले लेंगे तो उसमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे, आपको तैयारी करनी होगी। और बुक एक अच्छा सोर्स होता है, आप यूँ कहेंगे कि आज के टाइम पे ना PDFs मिल जाते हैं। PDFs में क्या होता है ना, एक तो स्क्रीन, फ़ोन स्क्रीन में आप छोटा छोटा देखते हो, अपनी आँखों को परेशान करोगे, क्योंकि दिन में बहुत टाइम होगा, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होगा, आपको वीडियोस भी देखनी है, आपको और भी चैप्टर्स ऑफ टॉपिक करने हैं, और भी सारी, वैसे भी आप फ़ोन पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे ही, तो इस चक्कर में ना PDF आप इकट्ठी करेंगे ना, तो उसमें ना इकट्ठे ही करते रह जाएंगे, आज उसकी PDF है, आज ये top 100 है, आज ये top 1000 है, top 1100 है, तो इस तरीके से ना PDF को थोड़ा अवॉइड करो। PDF जब करेंगे, जब एक बार सारा सिलेबस हो जाएगा, उससे पहले आप बुक ले लो, कोई भी SSC लेवल की बुक ले लो, और ये भी मैं कहूँगा कि 2 बुक प्रेफर करो, कोई भी 2 बुक लो, क्योंकि क्या होगा ना, एक बार तो जब आप 100-150 क्वेश्चन कर लोगे ना टॉपिक वाइज, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बचेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी 2 बुक ले लो, 2 बुक पहले एक ही लेना, पहले 2 मत लेना, पहले एक ही बुक लेना, उसको कंप्लीट करना, उसके बाद तो फिर PDFs वगैरह भी बहुत होती हैं, वो भी मिल जाएंगी। तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही, तो उसकी चिंता नहीं है। इस तरीके से हमारा फुल प्रूफ प्लान है कि भाई आप लोगों के मैथ्स में ना 95% मार्क्स आए, और ये डूएबल है, ठीक है। अगर आप बात करें कि 20 वाले, तो उसमें से 19 मार्क्स आए 20 में से, और 40 वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपके 36-35+ मार्क्स आए 40 में से, और ये सारी चीज़ें ना डूएबल हैं, और टाइम मैनेजमेंट करते हुए करना है, तभी तो हम मॉक टेस्ट देंगे। टाइम मैनेज करते हुए ये सारी चीज़ें करनी है।
उम्मीद करता हूँ कि ये सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक चीज़ें थी, आप नोट डाउन कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट में तो वैसे बहुत क्लटर्ड हो गया है ये, बट आप फिर भी आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें कि भाई 5 दिन के बाद कैसे करना है, कि हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन डेली करते जो पुराने हैं उससे आपको ना रिविजन कम करना पड़ेगा। नहीं तो आप 5वें 6वें चैप्टर के बाद देखोगे ना, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने लगोगे, अरे यार ये नंबर सिस्टम में 7 की डिविजिबिलिटी क्या थी, 9 की डिविजिबिलिटी क्या थी, वो तो मुझे याद ही नहीं आ रही है। इस चीज़ में आप फंसोगे, और उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए डेली क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो डेली उन चीज़ों से गो थ्रू करते रहोगे तो आसानी रहेगी। चलिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही है। हाँ, और ये शॉर्ट वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ठीक है। शॉर्ट वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो मुझे अच्छा लग रहा होगा, तो वो 2 से 3 मिनट में मैं सॉल्व करता रहूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट मेरी डली हुई है यूट्यूब पे फ्री में, वो देखिए पढ़िए और जी जान लगा दीजिए। आप लोगों के पास मौका है, जल्दी जल्दी एग्ज़ाम्स होंगे, तो पढ़िए और मुस्कुराइए और खुश रहिए। जय हिंद।